शुक्रवार को महात्मा गांधी की जयंती पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उदनखेड़ी द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। साथ ही हाथरस में हुई राहुल गांधी के साथ झूमा झटकी का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सन्मति देने रघुपति राघव राजा राम भजन किए। इसके उपरांत उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मौन रहकर कार्यक्रम स्थल पर बैठे रहे। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष रामचंद्र नागर, पूर्व अध्यक्ष नंदलाल नागर, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि रोशन खत्री, जनपद सदस्य शांतिलाल नागर, मंडलम अध्यक्ष गुफरान मंसूरी, मांगीलाल नागर, पूर्व सरपंच दुर्गा प्रसाद नागर, राम प्रसाद नागर, गजराज राजपूत, ब्रज कारपेंटर हरी सिंह राजपूत, अशोक राठौर, रामचंद्र नागर, शिवल्लभ योगी, अंशुल खत्री, बिट्टू खत्री, गोलू खत्री, विनोद खत्री, रमेश नागर, अन्नू खत्री सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। जयंती पर कांग्रेस परिवार द्वारा उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक हमारे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को रोका गया, उनके साथ बदतमीजी करी, धक्का मुक्की करी, इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। हम देश से ये पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में तानाशाही लागू करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के साथ खड़ी है और आगे भी सदैव जनता की लड़ाई लड़ेगी। सब राइट्स के लिए राजगढ़ से नाज़नीन अल्ताफ की।